नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों की ओर। शिवपुरी कोलारस, शिवपुरी कोलारस नगर के मानीपुरा स्थित अम्बेडकर पार्क पर ओबीसी महासभा भीम आर्मी और जेएस के द्वारा साझा विशाल रैली और ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें बुक अतिथि के रूप में ओबीसी महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू लोधी उपस्थित रहे। साथ ही भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहा। ओबीसी महासभा के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को एसजीएम महोदय को बंडा की बेटी और जालोर के मेघवाल समाज के बच्चे को पानी के मटके से पानी पीने के कारण मार दिया गया। हम उनसे बात करते हैं। आज आपके द्वारा मानीपुरा पार्क में अम्बेडकर पर आपने मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें आपकी मुख्य मांग क्या थी? हमारी मुख्य मांग यही है कि भूजन समाज के जो लोगों पर सरकार के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ हमारी लड़ाई पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ, क्योंकि हमारे ओबीसी वर्ग एसटीएससी वर्ग के लोगों को पाखंडवाद और अंधविश्वास में रखकर जिस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा है, एक मैसेज देने के लिए एक जागरूकता रैली आप इसको समझ सकते हैं, एक जागरूकता जनसभा हमने यहाँ पर की। आगे भी हम जिस प्रकार से इस सरकार में ओबीसी वर्ग एसटीएससी वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे वो बंडा की बेटी हो, चाहे वो कुशवा समाज की बेटी हो, चाहे आप ओबीसी वर्ग के किसी भी वर्ग के व्यक्ति को उठा लीजिए या छात्रों को उठा लीजिए, उनके साथ अन्याय और अत्याचार जो किया जा रहा है, इसके खिलाफ हमारी ओबीसी महासभा जैस और भीम आर्मी साथ में लड़ने का काम कर रहे हैं और हम इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा भीम आर्मी, ओबीसी महासभा और जैस, आप तीनों का संगठन एक साथ काम कर रहा है, आप अपनी एकता को दिखला देते हो, आप उसको सही तरीके से परिणाम के रूप में किस तरह दर्शाओगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एकता तो हम में है, लेकिन हमारे बीच में कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग हैं जो हमारे लोगों को दिमाग डाइवर्ट करके उनके प्रति, हमारे प्रति द्वेष पैदा करते हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जब मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा था कि हमें इनसे तो लड़ना ही है, हमारे अपने लोगों से भी हमें लड़ना है, क्योंकि जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो हमारे लोगों को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। अगर उनको सही बात समझ में आ जाए, अंधविश्वास पाखंडवाद ये समझ में आ जाए, तो हमारे लोग एक साथ खड़े होंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज हमने ये जो शुरुआत ओबीसी महासभा ने कर दी है, हम कदम से कदम मिलाने का काम कर रहे हैं और दिन ब दिन हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे गुरु समय जगत और अम्बेडकर पार्क मणिपुरा से। थैंक यू। उसके संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। शिवपुरी से खबर समय जगत के लिए लखन पाठक की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।